मुंबई की सड़कों पर आया समुद्र। मुंबई में बरस रही है आसमानी आफत। बोरीवली कांदीवली मलाड हर जगह है जलभराव। रिक्शा बाइक कार और लोकल सब पड़ गई बंद। 26 जुलाई 2005 का वो मंजर अब तक मुंबई करों को याद है। और ऐसे ही कुछ हालात 28 जुलाई 2023 को भी मुंबई में पैदा हो सकते हैं। मुंबई में पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मुंबई में आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जरा गौर फरमाइएगा, रेड अलर्ट बहुत ही आपातकालीन स्थिति में जारी किया जाता है, नहीं तो मुंबई में अक्सर ऑरेंज अलर्ट ही जारी रहता है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजेस को भी छुट्टी दे दिया गया है। चलिए अब आपको थोड़ा मुंबई का नजारा दिखाते हैं। ये है बोरीवली स्टेशन। बोरीवली स्टेशन के बाहर ये देखिए किस तरह से सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब थोड़ा मुंबई से आगे चलते हैं। ये मीरा भाईंदर की तस्वीर देखिए, जहां गाड़ी बस सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा ठाणे की ओर बढ़ जाते हैं। ये ठाणे की तस्वीर देखिए, जहां पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देगी। अब फिर से आ जाइए मरीन लाइंस पर। ये मरीन लाइंस के रेलवे ट्रैक की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सिर्फ पानी ही पानी है। कल्याण डोंबिवली की तरफ अगर हम बढ़े तो कल्याण डोंबिवली में रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्टेशनों पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मुंबई में कल बहुत बड़ी आफत आने वाली है। मुंबई के समुद्र से हाई टाइड टकरा सकता है। मुंबई के समुद्र का आज रौद्र रूप देखने को मिला। जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी, मरीन लाइंस लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। यहां तक कि सरकार ने मुंबई करों से ये तक कह दिया है कि अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि कल का दिन मुंबई के लिए बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।